हेलो गाइस, वेलकम टू मेघा की रसोई। आज हम बनाएंगे राजमा मसाला। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम राजमा ले लिया था, जिसे मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा था। आप चाहो तो इसे 5 से 7 घंटे भी भिगो के रख सकते हैं। अब इसे मैं कुकर में डाल के 7 से 8 सीटी ले लूंगी। राजमा को मैं अब कुकर में डाल दूंगी। और इसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी। कुकर में मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे बंद करके 7 से 8 सीटी ले लूंगी। से 8 सीटी कुकर में आ चुकी है। अब मैंने गैस पे से उतार दिया। अब कुकर को हम ठंडा होने देंगे। जब तक मेरा कुकर ठंडा होता है, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक नॉर्मल साइज का प्याज लिया था, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए थे, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। अब इसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। प्याज को अच्छी तरीके से तेल में भून लीजिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अगले स्टेज में मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का 1 टेबलस्पून पेस्ट इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। प्याज में अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आप चॉप करे हुए मेरे पास 2 टमाटर है, वो मैं इसमें आप डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच नमक, 3 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर में ज्यादा इसलिए डाल रही हूँ, इससे जो ग्रेवी है ना वो काफी थिक बनेगी। 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये मैंने इसलिए डाला ताकि इससे कलर अच्छा आएगा। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, बस इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले ना। पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से चला लीजिए। अब इसमें डालिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, बस इसे हाथ में लीजिए, क्रश कीजिए अच्छे से और इसे इसमें डाल दीजिए। कसूरी मेथी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे और इसे ढक्कन ढक के 5 मिनट्स तक पकाइए। बिल्कुल स्लो मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा और 5 मिनट्स तक इसे पकाइएगा, जब तक ऑयल ऊपर ना जाए। बीच बीच में अब इसे खोल के थोड़ा चला लीजिए। टमाटर को ऐसे मैश कर लीजिए। टमाटर एकदम अच्छे से गल जाने चाहिए और ऑयल ऊपर आ जाए, तब तक आप इसे लीड लगा के ही पकाइएगा। बस बीच बीच में आप इसे चला लीजिए चम्मच से। जब तक हमारा मसाला हो रहा है, हम राजमा को चेक कर लेते हैं। राजमा को मैंने 7 से 8 सीटी ले ली थी। कुकर ठंडा हो चुका है। अब इसे खोलकर देख लेते हैं कि हमारे राजमा अच्छे से हुए हैं या नहीं। देखिए, हमारे राजमा बहुत अच्छी तरीके से हो चुके हैं, आप देख सकते हो। बस अब मसाला चेक करते हैं। मसाले में अगर ऑयल छूट चुका है तो अब ये राजमा इस मसाले में हम डाल देंगे। मसाला देख लेते हैं हम। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। बस इस स्टेज पे हम राजमा पानी के साथ में ही इसमें डाल देंगे। मैं
मैंने सारे के सारे राजमा पानी के साथ में ही इसमें डाल दिया है। गैस फुल कर देंगे और इसमें अब एक बॉईल आने देंगे। इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे और मैं 2-3 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक मेरी ग्रेवी थोड़ी सी थिक ना हो जाए। ग्रेवी जितनी हमें थिक चाहिए बस उतना ही उसे पकाना है, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। मैं इसे, मेरी ग्रेवी जो है वो काफी पतली है, तो अभी मैं इसे 2-3 मिनट और पकाऊंगी और गैस ऑफ कर दूंगी। हमारा राजमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मेरी राजमा की ग्रेवी थोड़ी थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं गैस स्लो कर दूंगी और मैंने धनिया काट के रखे थे वॉश करके, बस अब इसे मैं गार्निश कर दूंगी धनिया से। और हमारा राजमा बिल्कुल रेडी है। गैस ऑफ कर दीजिए। आप इसे चावल के साथ खाइए, ये सच में बहुत अच्छा लगता है। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। आशा करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी बिल्कुल ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।